दिल्ली में सर्दी का सितम बढ़ता ही जा रहा है। आलम यह है कि लोग कई दिन से धूप को तरस रहे हैं। गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सबसे ज्यादा ठंडा रहा, साथ ही दिन में सूर्य देव के दर्शन नहीं होने से कपकपाने वाली ठंड बनी रही। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कोल्ड डे की स्थिति बन रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी आने वाले कुछ दिनों में ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। दिल्ली में लगातार सूर्य का दिखना नामुमकिन सा लग रहा है। लगातार सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जहां लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोग अलाव तापते हुए नजर आए, तो वहीं विजिबिलिटी भी बहुत कम नजर आई। की सर्दी ने 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 25 जनवरी 2013 के बाद 4 जनवरी को राजधानी दिल्ली का सबसे ठंडा दिन मापा गया। दिन का तापमान सामान्य से 7 डिग्री नीचे चला गया। ऑरेंज अलर्ट की ठंड के बीच लोग दिन भर कांपते रहे। इसी के बीच आपको बता दें कि आज भी ऐसा ही मौसम बना रहेगा। धूप निकलने की कम ही संभावना है। कल दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री कम 12.0 दर्ज किया गया। यह मौजूदा सीजन का ही नहीं बल्कि 25 जनवरी 2022 के बाद जनवरी में सबसे कम अधिकतम तापमान है। 3 जनवरी 2013 को इससे भी कम 9.8 डिग्री दर्ज किया गया था। उससे 11 साल में यह तीसरा सबसे ठंडा दिन कहा जा सकता है। दिल्ली से आरती राय एवं